लातेहार में 10 लाख के एक इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने एसपी और सीआरपीएफ के कमांडेंट के सामने सरेंडर किया। नक्सली का कहना है कि उसने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर सरेंडर किया। देखिए ये रिपोर्ट। लातेहार में गुरुवार को नक्सलियों ने एक पावर ग्रिड लाइन पर हमला कर लाखों का सामान आग के हवाले कर दिया था। एक ओर जहां नक्सली विकास कार्य में रुकावट बन रहे हैं, तो दूसरी ओर नक्सली खुद को मुख्य धारा में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लातेहार में भाकपा माओवादी के 10 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। 10 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर। नक्सली कमांडर सुभाष यादव ने किया सरेंडर। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उठाया कदम। 2013 से 2016 तक भाकपा माओवादी में था सक्रिय। लातेहार में 10 लाख के इनामी नक्सली सुभाष यादव ने लातेहार एसपी धनंजय सिंह और सीआरपीएफ कमांडेंट पंकज कुमार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सली सब जोनल कमांडर सुभाष यादव उर्फ दरोगी यादव उर्फ डॉक्टर पिता मुसाफिर यादव ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर सरेंडर किया है। उधर जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 11वीं बटालियन ने नक्सल विरोधी अभियान भी चलाया था। इसके रैंक में 10 लाख रुपए का रिवार्ड होता है। जनरल कमेटी मेंबर्स में 10 लाख रुपए। वर्तमान में कितना दिया गया? 50,000 रुपए। और सब और कुछ सुविधा? और सारी सुविधाएं दी जाएंगी इनको अब समर्पण नीति के तहत। सुभाष यादव 2013 से 2016 तक भाकपा माओवादी के दस्ते में सक्रिय सदस्य था और सब जोनल पद तक कार्य कर चुका है। वो लातेहार के सेरंग दाग और लोहरदगा में सक्रिय था। वो कई बड़ी नक्सली वारदातों को अंजाम दे चुका है। नक्सली सुभाष यादव पर लातेहार में 3 और लोहरदगा में 5 कांड दर्ज हैं, जिसमें वो फरार चल रहा था। गुनाह के लिए लातेहार से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।